आगे आगे सलमान भाई और पीछे पीछे बॉलीवुड की बाकी बड़ी हस्तियां। एक बार फिर नजर आया कि बॉलीवुड पर कौन राज कर रहा है। टाइगर खान कल रात मुंबई में बिट्टू बॉस की स्पेशल स्क्रीनिंग से बाहर आए तो जो नजारा मीडिया कैमरास में कैप्चर हुआ वो इतना समझाने के लिए काफी था कि बॉलीवुड पर किसी और का नहीं बल्कि सलमान खान का ही दबदबा चलता है। वैसे आपको बता दें कि ये स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी बिट्टू बॉस के लिए जो इस वीक बॉक्स ऑफिस पर आ गई है, और फिल्म की रिलीज से ठीक पहले रखी गई इस स्क्रीनिंग पर सलमान ने आकर एक बार फिर बिट्टू बॉस की पूरी टीम को सपोर्ट कर दिया। फिल्म का थोड़ा बहुत प्रमोशन भी हो गया और इसके साथ साथ सलमान भाई को इंडस्ट्री के काफी बड़े बड़े सेलेब्स से मिलने जुलने का मौका भी मिला। तो आपको दिखाते हैं कि सलमान खान किन किन टॉप सेलेब्स के लिए इस इवेंट में रहे मोस्ट वांटेड। तो इस लिस्ट में सबसे पहला और बड़ा नाम फारा खान का ही था। फारा और सलमान खान की बॉन्डिंग यहां काफी मजबूत नजर आई। तो दूसरी तरफ अपनी डेब्यू फिल्म मैंने प्यार किया के मेकर यानी सूरज बड़जात्या से भी सलमान ने दिखाई यहां अपनी दोस्ती। इसके बाद सलमान को अपना मोस्ट वांटेड मानने वालों की लिस्ट बढ़ती ही गई। सलमान को लेकर किक टाइटल से फिल्म प्लान कर रहे साजिद नडियाडवाला भी इस लिस्ट में शामिल दिखे। रमेश तौरानी, राजकुमार संतोषी सभी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सलमान खान ही थे। और इसी बीच सलमान की अपकमिंग फिल्म एक था टाइगर के डायरेक्टर कबीर खान भी जाहिर करते रहे कि सलमान उनके लिए है कितने मोस्ट वांटेड। यानी ये नजारा देखकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि सलमान ने रीसेंट डेज में अब तक का अपना सबसे बड़ा पावर शो दिखा दिया है। फहार दिखतना, जूम मुंबई।